हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पांच ऐसे ब्लाउज़ जो कि हर इंडियन वाइफ के पास, इंडियन गर्ल्स के पास होनी ही चाहिए। उसके वार्डरोब में ये ब्लाउज़ होने ही चाहिए। और ब्लाउज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको देखना पड़ता है, फर्स्ट है डिज़ाइन, सेकेंड कलर, और थर्ड है उसका फैब्रिक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्लाउज़ में। तो हमारा मतलब नंबर वन ब्लाउज़ है स्टाइल की, मतलब हमारे वार्डरोब में सीक्वेंस ब्लाउज़ तो एक होना ही चाहिए जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। और एक प्लेन ब्लैक ब्लाउज़ रखना ही है, और एक नेट में ब्लाउज़, नेट ब्लाउज़ भी सीयर टाइप का कपड़ा होता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। सेकेंड होता है, सेकेंड गाइस, रेड ब्लाउज़। रेड ब्लाउज़ हमारी वार्डरोब में होना ही चाहिए, प्लेन रेड ब्लाउज़ होना चाहिए। और एक होता है वर्क वाला ब्लाउज़, जिसमें बहुत ही मतलब शादी वेडिंग कहीं पे भी जा रहे हो तो बहुत अमेजिंग लगता है। और एक थोड़ा सा स्टाइलिश जो ट्रेंडी मतलब सेक्सी सुंदर दिखाई दे। थर्ड आता है नेट के ब्लाउज़, हमारी वार्डरोब में नेट का ब्लाउज़ भी होना चाहिए हमारे पास, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। और डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट पैटर्न में एक या दो हमारे पास नेट के ब्लाउज़ तो होने ही चाहिए। और गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग पैटर्न में मतलब कैसी भी आप इसको स्टिच करा सकते हैं, वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फोर्थ आता है गोल्डन ब्लाउज़। एक हमारी वार्डरोब में हमारे पास एक गोल्डन ब्लाउज़ तो होना ही चाहिए, जो कि हमारी सारी साड़ियों के साथ मतलब मिक्स एंड मैच हो जाता है और हम उसको पहन भी सकते हैं। अब मैं भी मतलब किसी भी टाइप का ले सकते हैं, सीक्वेंस में, नेट में, अमेजिंग लगता है। और गाइस, लास्ट आता है ब्रोकेड ब्लाउज़। ब्रोकेड ब्लाउज़ तो इतना ज़्यादा ट्रेंड में है अभी एक दो तीन साल से गाइस, और खैर ये हमेशा ही बहुत ट्रेंड में रहता है, ऑलवेज ट्रेंडी ब्लाउज़ है ये। और ये आप कैसी भी स्टिच करा सकते हैं अपने हिसाब से। ये फाइव टाइप के ब्लाउज़ हमारी वार्डरोब में होने ही चाहिए। ये फाइव टाइप के ब्लाउज़ जो कि मैंने आपको बताए हैं, ये आप किसी भी डिज़ाइन, किसी भी पैटर्न, किसी भी कलर में आप ले सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।